नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बहुत ही अलग दिखने वाला नाश्ता। इस नाश्ते को आप सुबह या शाम कभी भी बनाकर खा सकते हैं, या चाय के साथ इसका आनंद ले सकते हैं, या बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और मैंने यहाँ पे कच्ची मूंगफली ली है आधे कप, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, हरी मिर्ची ली है 3 से 4, और नमक लिया है आधी छोटी चम्मच। इन सारी चीज़ों को अब हम एक जार में डालेंगे और सारे मसाले डाल देंगे। तो आपको इस मसाले के अलावा और मसाले भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे गरम मसाला, जीरा, जो भी मसाले आपको पसंद है इसमें डालकर आप पीस सकते हैं। साथ में हम ताज़ा दही डाल देंगे 3 से 4 चम्मच। और दही डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अब हमें महीन पीस लेना है। सारी चीज़ें हमने पीस ली हैं तो इस बाउल में हम इसे निकाल लेंगे। रेसिपी पसंद आने पर रेसिपी को लाइक ज़रूर करें आप। अब हम इसमें मिलाएंगे गेहूं का आटा। तो यहाँ पर मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है और आधे कप मैंने यहाँ पे मैदा ली है। आप इस नाश्ते को सिर्फ मैदा से भी बना सकते हैं या फिर गेहूं के आटे से भी। 2 छोटे चम्मच रिफाइंड लिया है और बेकिंग सोडा लिया है 2 चुटकी। और सारी चीज़ों के साथ हमने डो को अच्छे से लगा लिया है। इसमें हमने पानी नहीं लगाया था, आपको ज़रूरत लगे तो इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम डो लगाकर हमने तैयार कर लिया है। डो को हम सेट होने के लिए रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। और 10 से 15 मिनट बाद हम इसे हाथों से अच्छे से मसल लेंगे ताकि ये बहुत ही बढ़िया अच्छे से चिकना हो जाए। और इस तरह से हम इसे मसल मसल कर अच्छे से चिकना कर लेंगे। और अब हम इस नाश्ते इसे बनाना शुरू कर देंगे। और इस तरह से हम इसे पहले लंबा लंबा कर लेंगे। और सारा नाश्ता हम इस तरह से लंबा लंबा करते जाएंगे, बस इसको इतना ही लंबा करेंगे। अब हाथों से इस तरह से प्रेस करके इसे हल्का सा चपटा कर देंगे। अब चाकू की सहायता से हम इसे पतले पतले पीसेस में कट कर लेंगे। तो इस नाश्ता को इस तरह से आप डीप फ्राई कर सकते हैं। अगर आपको सुबह या शाम बहुत जल्दी है तो बस इस तरह से काट लीजिए और डीप फ्राई कर लीजिए। पर मैं इसमें थोड़ा सा अलग डिज़ाइन देने वाली हूँ, तो इस तरह से 2-2 पीस मैं एक के ऊपर एक रख दूँगी। बस 2-2 पीस सेट कर देंगे। और इस तरह से मैंने इसको इस तरह से सारा नाश्ता सेट कर लिया है। मैंने यहाँ पे एक स्टिक ली है जिससे मैं इसमें डिजाइन डालूंगी और इस तरह से रखकर इसे प्रेस कर देंगे। हल्का सा प्रेस करेंगे, आर पार नहीं करेंगे, बस इतना प्रेस करके इसे निकाल लेंगे और हाथों से फोल्ड कर देंगे। और देखें इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया है। बाकी का नाश्ता भी हम इसी तरह से फोल्ड कर तैयार करेंगे। रेसिपी पसंद आने पर रेसिपी को लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। और सारा नाश्ता हम इस तरह से फोल्ड कर तैयार कर लेंगे। तो बहुत जल्दी में भी इस नाश्ते को आप बना सकते हैं। और इस नाश्ते को हरी चटनी या मीठी चटनी किसी के साथ भी आप खा सकते हैं, या फिर चाय के साथ। और सारा नाश्ता हमने बना के तैयार कर लिया है, तो बस इसे डीप फ्राई करेंगे। तो उसके लिए मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है। तेल अच्छे से गरम हो गया है तो हम आंच को मीडियम ही रखेंगे और इस नाश्ता को तल लेंगे।
और जितना कढ़ाई में नाश्ता आएगा उतना हम डाल देंगे। आप देखें अभी ये बहुत ही छोटा छोटा दिख रहा है, लेकिन डीप फ्राई होने के बाद ये फूल कर डबल हो जाएगा, यानी बहुत ही बढ़िया दिखेगा। और इस तरह से हमने सारा नाश्ता इसमें डाल दिया है। मीडियम आंच में हम इसे तल लेंगे। और 2 से 3 मिनट बाद हम इसे पलट देंगे और देखें ये फूल गया है, बहुत ही बढ़िया दिखने लगा है। तो हल्के हाथों से इसी तरह सारे नाश्ते को हम पलट लेंगे और पलट पलट कर हम सेकेंगे, जैसे समोसा सेकते हैं या फिर कचौड़ी या पूड़ी सेकते हैं, इस तरह से कलर चेंज होने तक इसे सेकना है। और देखें इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है, तो 2 मिनट के लिए अभी हम इसे और तलेंगे ताकि इसका अच्छा कलर आ जाए। अभी बहुत लाइट कलर दिख रहा है, तो 2 मिनट के लिए और तल लेते हैं इसे। बहुत ही जालीदार और खस्ता दिख रहा है ये। और मिलते हैं और नई नई रेसिपी के साथ। अब हम इस नाश्ते को एक प्लेट में निकालेंगे। सारा नाश्ता हम इसी तरह से निकाल लेंगे और इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। तो इस नाश्ते को इस तरह से आप लगाकर हरी चटनी या मीठी चटनी के साथ खा सकते हैं, या फिर बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, या फिर सफर में भी ले जा सकते हैं। बनके रेडी है चटपटा और टेस्टी नाश्ता।